एक तरफ संसद भवन में लॉरेंस बिश्नोई पर धावा बोला गया, दूसरी तरफ पंजाब के लुधियाना में एक शिवसेना नेता के ऊपर बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसके बाद चारों तरफ खलबली मच गया। तीसरे तरफ कंगना रनौत को जो थप्पड़ लगा उसका एक बार फिर से चर्चा चल रहा है। और चौथे तरफ दोस्तों पूरे देश भर में इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने का पूरा चर्चा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से एक बार पुनः मोदी जी चर्चा का विषय बन चुके हैं। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से पंजाब के लुधियाना के अंदर बीच सड़क पर एक नेता के ऊपर जानलेवा हमला करा गया। सच्चाई जानकर आपका भी दिल दहल उठेगा। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह शिवसेना नेता, इनका नाम दोस्तों बताया जाता है संदीप थापर है। संदीप थापर के बारे में बताया जाता है ये हाल ही में कार्यक्रम में गए हुए थे पंजाब के लुधियाना में। बताया जाता है कार्यक्रम से लौटने के बाद स्कूटी से सवार कुछ बंदा आता है और इसके ऊपर अचानक तलवारों से हमला करना शुरू कर देता है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यह सीसीटीवी फुटेज, यहां पर ये नेताजी यहां पर स्कूटी पर है। उसके बाद कुछ और सिख लोग आता है जो कि स्कूटी पर सवार होकर आता है, तलवार लेकर आता है और अचानक इसके ऊपर धराधर हमला करना शुरू कर देता है। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं लेकिन फिर भी जब इनके ऊपर हमला होता है तो एक भी आदमी इनका जान बचाने के लिए वहां पर नहीं आता है। बताया जाता है इनके ऊपर कई दफा तलवारों से वार करा जाता है और वार करने के बाद वहां से तमाम आरोपी फरार हो जाता है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इनके ऊपर जो हमला किया गया इसके बाद क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है। तो बताया जाता है लुधियाना के सड़कों पर जब इनके ऊपर हमला करा गया, हमले के बाद पता चला कि वो जो भी हमलावर था वो निहंग सिख था, वो लोग तलवार लेकर आया था इनको जान से मारने के लिए। बताया जाता है दोस्तों पिछले कई महीने से इन्हें जान से मारने का धमकी मिल रहा था और धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि सिख समुदाय का ही लोग था। बताया जाता है दोस्तों जब ये वहां पर पहुंचे थे इनके साथ इनका एक गनमैन भी था, तो वो तमाम जितना भी हमलावर था इनके गनमैन को पकड़ लिया और उसके बाद इनके ऊपर अचानक धराधर तलवारों से वार करना शुरू कर दिया। ये जो कि बहुत ज्यादा जब घायल हो गए तो उसके बाद बताया जाता है वहां से तमाम आरोपी भाग गया। बाद में इन्हें DMC अस्पताल रेफर कर दिया गया, फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस तरह से आज के समय में बीच सड़क पर किसी के ऊपर भी हमला हो जाता है, आप सोच सकते हैं उनके साथ इनका गनमैन था फिर भी इनके ऊपर हमला हो गया। तो दोस्तों जो आम आदमी है जो बिना किसी गनमैन का चलता है, बिना किसी गार्ड का चलता है, उसके साथ तो कभी भी कोई भी कुछ कर सकता है इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे अपराधियों का मन जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और हर एक जगह, हमें केवल पंजाब की बात नहीं कर रहा बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के अंदर देखा जा रहा है कि गुंडागर्दी जो कि कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। कोई भी आदमी आज के समय में सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी को भी कहीं भी टपका दे रहा है। तो इस मामले में दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस वालों को पूरा तरह से सख्त होना चाहिए और पुलिस वाले जब सख्त रहेंगे तो शायद कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर पाएगा। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई तरह का सवाल दागा गया, इसके ऊपर जिस तरह से धावा बोला गया, उसके बाद बताया जाता है एक सांसद साहब जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। आप देख सकते हो दोस्तों यह कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा। अमरिंदर सिंह राजा ने जब से संसद भवन के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सवाल उठाए हैं तब से ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, इससे पहले चर्चा कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों टीम इंडिया ने इस बार विश्व विजय हासिल करा है और इस बार का विक्ट्री जो कि पूरे दुनिया भर में याद रखा जाएगा। आपको बता दूं T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीत के बाद जब इंडिया लौटी बारबाडोस में, इस बार टीम इंडिया ने फतह हासिल की थी और फतह हासिल करने के बाद दोस्तों जब टीम इंडिया लौटकर इंडिया आई तो मुंबई में टीम इंडिया का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। हालांकि उससे पहले मोदी जी से भी इंडियन टीम जाकर मिली है। आप यहां पर साफ साफ चित्र में देख सकते हो मोदी जी के हाथ में कप है और चारों तरफ पूरा टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो लोग हैं। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि इस बार जिस तरह से टीम इंडिया जीत दर्ज की है, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों टीम इंडिया ने इस बार एक भी मैच नहीं हारी, मतलब कि अनडिफीटेड तरीके से इस बार वर्ल्ड कप हासिल की है। हालांकि दोस्तों इस मामले में यह कहा जा सकता है कि इसमें सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा के कैप्टेंसी में जिस तरह से इन लोगों ने खेला, जबरदस्त खेला और पूरे इंडिया वालों का दिल मानो कि इन लोगों ने जीत लिया। तो इस बार दोस्तों जिस तरह से टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में विजय हासिल की है, इस विजय के लिए मैं तो पर्सनली कहूंगा कांग्रेचुलेशंस। और दोस्तों टीम इंडिया का जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। हालांकि इसके बाद से दोस्तों चारों तरफ मोदी जी का भी खूब चर्चा चल रहा है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी का चर्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि मोदी जी हमेशा ही जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं इन लोगों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, चाहे खेल जगत
में चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मोदी जी तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते ही रहते हैं और यही वजह है कि सभी जितने भी खिलाड़ी हैं वो लोग भी मोदी जी से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। आप लोग बताना दोस्तों, इस बार T20 वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा किसने खेला, कौन ऐसा प्लेयर था जो पूरे इंडिया वालों के दिल पर एकदम राज करता रहा शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का चर्चा पूरे चारों तरफ जोर शोर से चला और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जिस तरह से इस बार धूमधाम से पूरा ये जश्न मनाया गया, खिलाड़ियों का जिस तरह से भव्य तरीके से स्वागत किया गया, इसका चर्चा न केवल मुंबई के अंदर बल्कि पूरे दुनिया भर में चल रहा है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि आज के समय में आज के जितने भी युवा हैं वो लोग क्रिकेट को एक फेस्टिवल की तरह मानते हैं और मुंबई के अंदर देखा गया दोस्तों इस बार किस तरह से लोगों ने यह जश्न मनाया, तो बहुत अच्छा लगा। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, किस तरह से सांसद भवन के अंदर धावा बोला गया। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः जिस तरह से सांसद भवन के अंदर लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल उठाया गया, इस सवाल की बात बताया जाता है एक सांसद साहब हैं जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है अमरिंदर सिंह राजा। इनका यह कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जेल के अंदर से ही किसी का हत्या करवा देता है और हत्या के बाद जिम्मेदारी भी लेता है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। क्यों इस तरह के बदमाशों को सरकार सबक नहीं सिखाती? आपको भी याद होगा दोस्तों, साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था, उसके मरने के बाद उसकी हत्या का जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया था। तो इनका यह कहना है कि अब तक लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाशों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मूसेवाला को इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो इनके इस सवाल का जवाब अब तक गृह मंत्रालय भी नहीं दे पाई है। उसके अलावा दोस्तों चर्चा चला है कंगना रनौत का भी। आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, यह कंगना रनौत हाल ही में दोस्तों जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला CISF की जवान ने इसे थप्पड़ मारी थी, थप्पड़ मारने के बाद मानो कि पूरे इंडिया भर में इसका चर्चा चला और चारों तरफ से बहुत सारे लोग थे जिनका यह कहना था कि अच्छा हुआ कि महिला CISF की जवान ने इसे थप्पड़ मारी, इसे एक थप्पड़ क्या, इसे तो 10 थप्पड़ लगना चाहिए, इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने कहा था। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने इस चीज पर निंदा भी जताया था। आपको बता दूं, कंगना रनौत ने कुछ समय पहले किसानों के बारे में एक बयान दी थी, किसानों ने जो आंदोलन करा था, जो अनशन करा था, तो इसका यह कहना था कि उस अनशन में बैठे जितने भी किसान हैं उन लोगों को 100-100 रुपया मिला है और 100-100 रुपया लेकर के ही वो लोग अनशन कर रहा है। उसी वजह से दोस्तों बताया जाता है एक जो महिला CISF की जवान थी जिनका नाम है कुलविंदर कौर, कुलविंदर कौर की माता जी भी उस अनशन में थी, तो कुलविंदर कौर को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि उनकी माता जी के बारे में ये बोल रही है कि उनकी माता जी 100 रुपया लेकर के अनशन में बैठी है। तो इसी वजह से दोस्तों बताया जाता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इसके ऊपर थप्पड़ मारा गया और जब इसके ऊपर थप्पड़ चला तो थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया भर में सुनाई दी। जिस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर हमला करा गया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का बात कहा था। अब इसी के बारे में एक बार पुनः अमरिंदर सिंह राजा जी ने जो कहा है, इन्होंने संसद भवन में गरज गरज कर कहा कि कंगना रनौत ने जिस तरह से किसानों के खिलाफ बयान दी थी, इसने किसानों के बारे में जिस तरह से भद्दा तरीके से बोली थी कि 100-100 रुपया लेकर किसान वहां पर अनशन में बैठा था, तो क्या कंगना रनौत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों साफ साफ इनका कहीं ना कहीं धावा है बीजेपी पर। इनका यह कहना है कि बीजेपी सरकार अपने लोगों को कुछ नहीं करती और जो उनके विपक्षी होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनका भी कहना सही है। इनका केवल और केवल दो सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि आज तक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ क्यों नहीं मिला, और दूसरा सवाल यह है कि कंगना रनौत ने जो किसानों के खिलाफ इस तरह की बातें बोली थी तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हालांकि आपको बता दूं, आज के मौजूदा वक्त में कंगना रनौत मंडी की सांसद है, वर्तमान सांसद है, तो कंगना रनौत के ऊपर जब से थप्पड़ लगा है उसके बाद से कंगना रनौत बहुत ज्यादा शांत रहती है। हालांकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पहला जानकारी दिया किस तरह से पंजाब के लुधियाना में एक शिवसेना नेता पर हमला करा गया, जिस नेता जी का नाम था संदीप थापर। तो संदीप थापर जी के ऊपर हमला करा गया और इस हमले की वारदात को CCTV कैमरे ने कैद कर लिया। दोस्तों अगर वहां पर CCTV कैमरा नहीं होता तो शायद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसका द एंड भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल दोस्तों इनका इलाज चल रहा है, फिलहाल कहा जा रहा है अस्पताल में ये भर्ती है। उसके अलावा मैंने चर्चा करा दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बारे में, किस तरह से मुंबई वालों ने पूरा धूमधाम से जश्न मनाया और T20 वर्ल्ड कप का जश्न, जीतने का जश्न केवल मुंबई वालों ने ही नहीं मनाया बल्कि पूरे देश भर के लोगों ने मनाया और बहुत अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया अगेन। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया किस तरह से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा ने लॉरेंस बिश्नोई और कंगना रनौत पर सवाल उठाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां मिली होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रत्येक दिन दोस्तों मैं आप लोगों के सामने नया नया जानकारी लेकर आता ही रहता हूं, तो आप लोग बस इसी तरह से हमारा साथ देते रहो और इस तरह
तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना। पर्सनली मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, तो आप लोग भी मत करना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में।